प्लेन का जो रूट है वो जा रहा है लिपोपका से लेकर कटका तक, एंड इस ट्रायंगल में आपको दो इक्वल हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। लेकिन आज देखना होगा किस तरह का यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा। लेकिन ओमेगा यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, UMP 45 उनके पास नजर आ रही है। लाइफ क्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, लाइफ क्राफ्ट के लिए चीजें जो है वो ठीक नहीं जा रही है एंड इस मैच में भी ठीक नहीं लग रही है। निंजा ओपी के पास गन है कि नहीं वो मेरे को देखना है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ से जस्ट डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके यहाँ पर उनके पास गन है, यहाँ पर AKM जो है वो नजर आ रही है एंड देखना होगा यहाँ पर। फिलहाल दोनों एक अच्छी खासी यहाँ पे AR उन्होंने ले रखे, AKM एंड M4 उनके पास है, लेकिन दो प्लेयर्स के साथ यहाँ पे उनको निपटना है। देखना होगा UMP 45 बहुत ही प्यारा, यहाँ पर स्प्रे जरूर डाला, काफी कम HP थी, लेकिन यहाँ पे फिनिश किया जाएगा ओमेगा को पूरी तरीके से। एंड इसी के साथ टीम INT ट्रांस और टीम एक्स के बीच में भी यहाँ पर फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच डायरो गॉड यहाँ पर फिलहाल ट्रेड लेना चाहते हैं, बहुत ही आराम से अगर पुश भी करेंगे तो बहुत ईजी नॉकडाउन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन 8-bit को ऑलरेडी यहाँ पर एक झटका जो है वो लग चुका है। डायरो गॉड दूसरी साइड से आते हुए, लेकिन निंजा फिलहाल यहाँ पे उनको पता है मेरी HP बिल्कुल भी नहीं है, डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे। बिल्कुल आई थिंक शानदार तरीके से ये मैच को खत्म होता है, बट 8-bit निराश होगा, एक अर्ली कैजुअलिटी वहां पे कोई बिकॉज़ अनफॉर्चुनेट रहेगा। वहीं पे सोल ब्लेज यहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं, रिगल टॉस यहां पे नॉकडाउन है, वाइपर भी नॉकडाउन होते हुए ऑरेंज रॉक के साथ फाइट लिए, तो डेफिनेटली यहां पर इतना आसान होगा नहीं फाइट करना। मॉर्टल बहुत ज्यादा दूर रह चुके हैं एंड मेरे हिसाब से क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी से यहां पे घासे जो है वो रेंडर नहीं होती है, तो हो सकता है कि मॉर्टल किसी भी मौके पर यहाँ पे स्पॉट होते नजर आए। लेकिन इसी बीच यहाँ पे फोर्स वन की स्क्वाड भी पहुंचती हुई एंड यहाँ पे गिल को नॉकडाउन किया था, लेकिन वीरू का यहाँ पे ट्रेड आता हुआ एंड इसी के साथ मैडमैन को डाउन कर दिया गया। फोर्स वन यहां पर इस फाइट में ऑरेंज रॉक के साथ आती हुई, सोल को मेरे हिसाब से सोल के जो यहां पे नॉक्ड प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल सकता है थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने का। लेकिन मॉर्टल भी यहां पर आने की कोशिश करते हुए पूरी तरीके से स्पॉटेड है एनडीसी के साथ, टीम सोल एलिमिनेट हो जाएगी सोल भी पोजीशन पे। ये थोड़ा सा यहां पे मुश्किल होता हुआ टीम सोल के लिए। बट INT मैं बार बार बात करना चाहता हूं इस टीम की, क्योंकि लुक एट द वे दे आर प्लेइंग टुडे, गुस्से में है मेरे ख्याल से INT। दो दिन उनका अच्छा नहीं गए, काफी सारी अर्ली फाइट्स उनका देखने को मिली, बट अब 10 किल के साथ दे आर लुकिंग लाइक द INT ऑफ ओल्ड। बिल्कुल यहाँ पे INT के पास 10 किल मिल चुकी हैं एंड बिल्कुल जब उन्होंने अपने पहले जो राइवल है उनकी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे जो तकलीफ है ऑलरेडी वहाँ पे जो टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स हैं उनको जब उन्होंने एलिमिनेट कर दिया तो वहीं से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है एंड वहीं पे फंसे रह जाते हैं, तो इसी वजह से काफी उनको फायदा हुआ है एंड वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे नॉक जो है वो निकल रहे हैं, ट्रांस एंड स्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन है, देखना होगा किस तरह से यहाँ पे उनको बचाया जाता है। इसी बीच यहाँ पे हाइड्रा और टीम सेल्स का फाइट होता हुआ, हाइड्रा काफी ज्यादा नुकसान में यहाँ पे नजर आ रही है, फ्रैग ओपी आखिरी बचे प्लेयर, सारे के सारे प्लेयर्स उनके ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे एंड इसी के साथ टीम हाइड्रा एलिमिनेट हो जाएगी पूरी तरीके से। अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन टीम INT जिस तरह से उनकी तरफ बढ़ रही है मुझे लगता है कि एक परफेक्ट यहाँ पे 4v3 फाइट जो है देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आई थिंक एक परफेक्ट फाइट आपके सामने अब आने वाली है, क्योंकि INT काफी ज्यादा अग्रेसिव आज खेलती हुई एंड सीधा सामने रेकनिंग की टीम वहां पे होल्ड करती हुई। आई थिंक रेकनिंग के जीरो की बात करें वहां पे एक अच्छी पोजीशन में होल्ड करते हुए शैक के अंदर एंड स्नैक्स के ऊपर एक शानदार नेट किया गया है, बट स्नैक्स भी एक नेट से नॉक हो जाते हैं। ये नेट्स वाला ट्रेड है यहां पे एंड एक और शानदार नेट ट्रांस की तरफ से आता है, 3 किल निकाल चुके हैं रेकनिंग, देखते हैं क्या कमबैक कर पाएगा इन अटैक के बाद। बिल्कुल रेकनिंग के क्लाउनी ने यहाँ पे DP28 का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे यहाँ पे नॉक्स निकाले थे BSG क्रॉलर्स के प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए उनको ध्यान देना होगा यहाँ पे फिलहाल टीम INT के प्लेयर्स के ऊपर। INT ट्रांस को बहुत ही अच्छे से के लोकेशन यहाँ पे मालूम है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे ग्रेनेड जाता है, ड्रिफ्ट टोपी को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया है। NoobYTB की हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम नजर आ रही है, क्लाउनी बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे नजर आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से टीम INT को यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेड देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि दूरी जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। बट NoobYTB अभी भी अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए ज्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे, आई थिंक गलती करी वहां पे NoobYTB ने, अगर अटैक करते तो शायद बेटर एक दो नॉक निकाल सकते थे, शायद किसी को कंफर्म कर सकते थे, बट अब क्लाउनी आखिरी प्लेयर बचे हैं और टीम INT को अब जोन में जाना है एंड उसके लिए वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। 5 किल निकाल चुके हैं, आगे बढ़ते हुए रॉयस के प्लेयर को स्पॉट किया, नॉक करेंगे यहां पे, थोड़े से ग्लिचेस उनके साथ जरूर हो रहे हैं बट रॉयस के रेड सी आई थिंक अब एक शिकार बन चुके हैं क्रेटोस के। मैंने जैसा कि कहा INT के नाम का जो तूफान यहाँ पे उठा ये आज किसी को नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो रॉयस हो चाहे वो एलिमेंट हो, किसी को भी ये छोड़ने वाले नहीं है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे ग्रेनेड जो है सामने की तरफ उन्होंने डाला है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर किसी तरह का मौका उनको मिलता है। लेकिन ट्रांस यहाँ पे नॉकडाउन हुए, स्नैक्स की बहुत ही कम HP, स्नैक्स भी यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे, क्रेटोस को देखना होगा, शायद आई थिंक टीम INT का यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे खासे पॉइंट्स लेकर गए। 3v3 की यहाँ पे सिचुएशन जो हो सकी है, रॉयस यहाँ पर फिलहाल स्मोक्स डाल के सामने की तरफ यहाँ पे मूव इन करना चाहते हैं पूरी तरीके से, परफेक्ट 3v3 फाइट एंड इससे ज्यादा बेहतर यहाँ पर इस मैच का अंत जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकता था। दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका चिकन डिनर निकालने के लिए। इसी बीच यहाँ पे डेल्टा PG को नॉकडाउन किया गया, 5 सिंह यहाँ पर ऊपर आए, लेकिन इसी के साथ आई थिंक एलिमेंट यहाँ पर क्लच कर जाएगी।
मैं भी प्रिंस भाई, आई थिंक वो जो फर्क होता है ना एक्सपीरियंस और अंडरडॉग्स के बीच में, वो यहाँ पे दिखा, आपने क्योंकि बोला है प्लेन प्लेन पाथ पाथ की बात करें, एक नॉर्दर्न साइड का प्लेन पाथ है, ट्रेवनो से शुरू होता हुआ डोब्रोमेस्टो के सदर्न साइड पे एंड हो रहा है, टीम का भी कोई सामान मुझे नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे मुश्किल जरूर होगी। बट INT वो भी एक प्लेयर गवा चुके हैं प्रिंस भाई, और इसी चीज की हम बात डेली आके करते हैं कि चाहे कोई भी यहाँ पे जीते, आप प्लेयर गवा रहे हैं, आपके जीतने के चांसेस, चिकन डिनर निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। यही हम लोग बात करेंगे, अगर इस तरह से एक एक प्लेयर यहाँ पे अपना खोएंगे तो लास्ट सर्कल में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन एक और नॉक यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, आदित्य यहाँ पे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो रेडी है, वो यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा एडीसी के साथ, आदित्य क्लच के साथ यहाँ पे दिखाई देते हुए पिछले मैच में एक इतना बेहतरीन प्रदर्शन, एंड इस समय पे आदित्य 1v4 कर जाएंगे टीम INT को। बार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टीम सिनर्जी के यहाँ पे, टीम सिनर्जी की नहीं, रेड जोन से यहाँ पे शिकार जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन बात करें यहाँ पे टीम सोल की, रॉयस के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक वाइपर इधर आते हुए और वोल्ट करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक गलती साबित हो सकती है, सोल के वाइपर यहाँ पे अकेले फाइट लेने की गलती करते हैं। आई थिंक अगर थोड़ा सा वेट करते उनकी कैवलरी यहाँ पे आ जाती, बट रॉयस के रहना आखिरी प्लेयर एक किल निकाल गए हैं, बहुत लो HP, एंड टीम सोल यहाँ पे अब रश करते हुए नजर आएगी हमको। बिल्कुल, एंड वही जो आपने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुकते तो बेटर रहता, ब्लेजी वहां पे बाहर सभी को यहाँ पे फिनिश कर देंगे, एंड मेरे हिसाब से वहां पे रहना के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, उनकी जो लोकेशन है वो भी पूरी तरीके से रिवील्ड है, एंड ज्यादा लंबे समय तक नहीं देख पाएंगे। बहुत ही प्यारा मॉली आया, बाहर निकल पड़ने पर मजबूर किया, रॉयस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे बहुत इजिली। IOP एक वो कहते हैं ना यहाँ पे एक्स फैक्टर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं इस पूरी फाइट के बीच में, यहाँ पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, यहाँ पे इसी चीज की मैं बात कर रहा था, मावी को यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश किया जाएगा, एंड सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी थे, ऊपर से VSG क्रॉलर्स ने यहाँ पे प्रेशर जो था बना के रखा हुआ था, एंड मावी अंदर घुसे, उनको यहाँ पे सरप्राइज मिलता है, वो पीछे की तरफ यहाँ पे एक मॉलर डाला लेकिन ये काम नहीं करेगा, एंड इसी के साथ यहाँ पे एक IOP को पनिश किया जाएगा उनकी गुस्ताखी के लिए। बट गुस्ताखी के लिए पनिश तो करा जाएगा, बट गुस्ताखी तो यहाँ पे हो चुकी है, एंड ऑरेंज रॉक अब देखना पड़ेगा VSG क्रॉलर के सामने किस तरह से टिकती है। मीनवाइल बहुत सारी फाइट चल रही है, AW की फाइट भी चल रही है सिनर्जी के साथ, एलिमेंट ने भी एक नॉक निकाला था सिनर्जी का, काफी सारा केओस, एंड इसीलिए विकेंडी इज ऑन टॉप ऑफ माय फेवरेट लिस्ट। यहाँ पे विकेंडी में मजा आएगा, एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे लेकिन VSG इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहती है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे नेड आता है, वो वीरू को अच्छे से एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मालूम थी सामने प्लेयर्स की, एंड यहाँ पर एक नॉक जो एक जरूरत थी इस नॉक की यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने VSG क्राउड्स के प्लेयर ने यहाँ पर किल फीड जो है पढ़ा होगा, एंड उनको पता है मावी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं मैन एडवांटेज है, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी एक नॉक की, एंड वही चीज यहाँ पे वीरू ने निकाल के दिखाई भी है। लेकिन अभी देखना होगा, अभी भी यहाँ पर खतरा जो है वो टला नहीं है, अभी को यहाँ पे तुरंत गेम में जो वापसी है यहाँ पे करा दी गई है, एक नॉक यहाँ पर आना दोबारा से यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ऑरेंज रॉक को यहाँ पर इस पूरी फाइट में सर्वाइव करना है तो। बट CG की मूवमेंट मुझे काफी अच्छी लगी, 1v3 की फाइट है अभी के लिए उनके लिए, एंड नॉक कर दिया जाएंगे, ऑरेंज रॉक फिर भी अभी प्रेशर में नहीं आता, एक प्लेयर जरूर गवाया है, बट देखना पड़ेगा यहाँ पे कमबैक कैसे आएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे दो नॉक निकाल चुके हैं ऑरेंज रॉक यहाँ पे बैकफुट पे जाता हुआ, एंड दो मैचेस यहाँ पे दूसरा मैच चल रहा है, क्या जल्दी एलिमेंट होता है दिखेगा, ऑरेंज रॉक फिर से गिल यहाँ पे एक नेड करने की कोशिश, एक प्रीएम्प्टिव नेड यहाँ पे किया है, MVP चल रहे हैं इस टाइम गिल, क्या क्लच निकाल सकते हैं, आई थिंक अगर कोई निकाल सकता है तो वो है ऑरेंज रॉक गिल, बट वी विल सी अबाउट दैट। बिल्कुल, एंड हम लोगों ने पहले भी थ्री की सिचुएशन है, आई थिंक तीन ही बंदे यहाँ पे बचे हैं, और बहुत ही शानदार मोलोटोव यहाँ पे आता हुआ, गिल देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, आई थिंक काफी मुश्किल होगा, एंड लुक एट दिस, यू नो दिस इज नॉट अ रेड जोन, दिस इज अ लावा हाउस, एंड यहाँ पे पूरी तरफ मोलोटोव से जला के रख दिया है, बट गिल अपने आपको हील करते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं क्या VSG क्रॉलर्स के प्लेयर्स यहाँ पे अटैक करेंगे, बिल्कुल अटैक करेंगे, गिल यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करते हुए, काफी लेट हो चुके हैं, आई थिंक ऑरेंज रॉक का सफर यहीं पे खत्म हो सकता है, गन चेंज करने की कोशिश, बट इसी के साथ ऑरेंज रॉक एलिमिनेट होती हुई 3 किल के साथ 16th पोजीशन पे, परफेक्ट फाइट हमें देखने को मिलेगा इस पूरे कंपाउंड के लिए। बिल्कुल, आई थिंक देखते हैं, कंपाउंड भी यहाँ पे जोन के अंदर है तो जरूर एक इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। एक और चीज यहाँ पे मैटर करती है कि थर्ड पार्टी होगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन विकेंडी में हमेशा बना रहता है, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक कोई टीम यहाँ पे है, बट एलिमेंट के रेडियन यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करते हैं, एंड थर्ड पार्टी की मैं बात कर ही रहा था कि नहीं होगी, और थर्ड पार्टी होती हुई थर्ड पार्टी हमें देखने को मिलती है, लेकिन बात करें यहाँ पे फिलहाल हाइड्रा के प्लेयर्स की, ऑलरेडी यहाँ पे ऋषभ को खो दिया, रामजॉट यहाँ पे नॉकडाउन है, सारंग एंड फ्रैंक OP के ऊपर यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी आती है, क्या INS की टीम कुछ कमाल कर पाएगी लेक्सटम के सामने, 8 मिस वहाँ पे आ चुके हैं INS के प्लेयर बिल्कुल सामने, मोलोटोव्स यूटिलिटीज का पूरा यूज करते हुए, यू नो स्टिल अटैक करने वाली टीम के ऊपर भी प्रेशर होता है, एंड दिखा हमें वो लास्ट गेम में, यहाँ पे प्रेशर जरूर होता है, यहाँ पे सभी टीमों के ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो यहाँ पर नंबर 1 पे भी टीम चल रही है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव जो है जरूर होता है। लेकिन फिलहाल बात करें यहाँ पे LS के प्लेयर्स की, तो यहाँ पे जोकर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8 में से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, पीछे भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टीम नंबर 10 के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर पीछे की तरफ हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चलती गाड़ी से बहुत ही प्यारा यहाँ पे नॉक निकाला, एंड इसी के साथ बराबरी की सिचुएशन यहाँ पर होती हुई।
बिल्कुल आई थिंक बराबरी की सिचुएशन जरूर है। आठ में सब आगे बढ़ते हुए आईएएस के प्लेयर भी यहाँ पे काफी माल का नॉक निकालते हैं। ट्रेनिंग मोड में आप इसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, कवर में जाते हो, बाहर आते हो, नॉक करते हो, वापस जाते हो, और ये चीज प्रैक्टिस का नतीजा मिलता है, आपकी मेहनत का फल मिलता है आपको। यहाँ पे बिल्कुल मेहनत का जो फल है वो जरूर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन बात करें फिलहाल यहाँ पे जो ऊपर नॉकडाउन हो चुके हैं आर्टेमिस, यहाँ पर अभी भी कोशिश करें, बहुत प्रेशर यहाँ पर उनके ऊपर है एनएसएच किसी भी अब आगे भी। बढ़ते हुए एक समय था एचबी टॉप पे थे इंडिया चार्ट्स में, एंड यस अब भी अपनी काबिलियत को नहीं भूलता, कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर अपनी काबिलियत को नहीं भूलता, उस कॉन्फिडेंस को नहीं भूलता। एंड लेट्स सी कि एचबी यहां पे 1v2 कर पाएंगे। एक शानदार शॉट लेने की कोशिश, बट लेग स्टंप खत्म करता हुआ वीएसडी क्रॉलर्स का खेल। उसके बाद देखना पड़ेगा कितना आगे बढ़ते हैं। बट आइकॉनिक उनका इंतजार कर रहे थे, आई थिंक थोड़ा सा ओवर ईगरनेस था यहाँ पे सिरिंज के अंदर, एंड उसका खामियाजा करना पड़ा। लास्ट गेम में भी हमने देखा था कि किस तरह से वहां पे अटैक किया था रॉयस ने टीम एलिमेंट के ऊपर, और एलिमेंट ने होल्ड ऑन करके उनको खत्म करा था। M249 द मॉन्स्टर ऑफ 100 फेसेस एलिमेंट के पान सिंह यहाँ पे चलाते हुए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी एंड यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी के साथ एक और नॉक यहाँ पे निकालेंगे एलिमेंट पान सिंह के सामने, बचे हैं एंग्री, एंड इसी के साथ मैच खत्म होता हुआ। बट 8-bit की टीम अभी भी यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं एंड टॉप 2 में आने में कामयाबी पाली है। एलिमेंट की बात करें, क्या अक्षत यहाँ पे अपनी टीम के लिए चिकन निकाल सकते हैं, क्या 8-bit यहाँ पे एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आएगी, ये चीज देखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। कम ऑन गाइस, प्रिडिक्ट करो, आप बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है अक्षत यहाँ पे क्या क्लच कर पाएंगे। नेट्स करने की कोशिश है, देखते हैं क्या इस नेट से किसी को नॉक कर सकते हैं। अब इनके ऊपर रश आने वाला डेल्टा पीजी, एक और उभरते हुए खिलाड़ी वहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए, यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 की वेस्ट उनको ताजी मिल चुकी है। लेट्स सी क्या MP5K के साथ कुछ क्लच हमें देखने को मिल सकता है। अटैक आता हुआ डेल्टा पीजी वहाँ पे अटैक करते हुए, एंड SMG के साथ अटैक करने की कोशिश, बट खत्म होता हुआ ये मैच। डेल्टा पीजी फाइनल किल निकालते हुए, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट चिकन डिनर फॉर टीम एलिमेंट। दो मैच, दो चिकन डिनर। और तीन बात गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, लैंड ड्रिल से लेके चुपा सिरा लॉस लियोनेस एंड पिटेरो परासो के तरफ जाके एंड करता हुआ जरूर लग चुका है। सिरेन जो क्लच करने के लिए जाने जाते हैं AW की तरफ से, खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चार्ज करने की कोशिश, बट जो AW के हेनरी जो प्लेयर है, इन्होंने ऑब्वियसली पहले भी एक बार सिनर्जी की स्क्वाड को 1v3 किया हुआ है आई बिलीव, तो यहाँ पे उनके ड्रॉप वॉलीबॉल मार के तरफ गए थे तभी शायद फाइट हुई थी। बट अब यहाँ पे 3-1 स्क्वाड के साथ AW की स्क्वाड आगे जाना जरूर चाहेंगी, देखते हैं ये फाइट को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं या फिर ये फाइट से फॉल बैक करने की कोशिश। बट एंग्री को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, देखते हो वहाँ पे नॉक करते हैं हेनरी, एंड दो प्लेयर बाकी रहेंगे, सर भी पीछे से चार्ज करना जरूर चाहेंगे। बट हेनरी वापस से ऐसी पोजिशन में है कि उनके टीम में जो है नॉक हो जाएंगे, और ये यहाँ पे क्योस भी एलिमिनेट हो चुके, नॉक हो चुके। अब हेनरी ने यहाँ पे व्हीकल निकाली एंड ही इज फॉलिंग बैक एंड इट इज नॉट एन ऑप्शन, सिनर्जी जो है ये टीममेट हो जाते हैं तो मुश्किल होने वाला है। मीनवाइल आप हमारी जनता को यहाँ पे बताना चाहूंगा, आ चुके हैं पीटर दारूवाला AKA ऑरेंज रॉक स्काउट, एंड वापसी करिए यहाँ पे नॉक कर सकते हैं वाइपर को, बहुत ज्यादा लेट होते हैं वाइपर एंड ऑरेंज रॉक किल वहाँ पे एक काफी शानदार कवर फायर देते हुए। यू नो सोल आज के दिन में थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी के साथ उतरी है, उनकी रोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यहाँ पे स्काउट को नॉक कर दिया गया है पीछे से। आई थिंक आरजी के क्लाउनी ने यहाँ पे नॉक निकाला है, बट ऑरेंज रॉक मावी स्ट्रेट अपने दोस्त के साथ उसको रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। बट मैच करते यहाँ पे रहेगा, स्पॉट कर दिया गया है, दारू वाला यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करते हैं, स्काउट ने यहाँ पे कुछ शॉट सर्विस कनेक्ट किए, बट रहेगा वापस से जो है यहाँ पे कवर में चले जाएंगे। बट यहाँ पे OR ये फाइट से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, मावी यहाँ पे काफी स्पीड के साथ आगे चार्ज करेंगे, फ्रैग ओपी ने अपने ही ग्रेनेड से अपनी ही मॉली से जो है वो नॉक होते दिख जाएंगे। मावी यहाँ पे अगर दोस्त को नॉक करेंगे काफी लो हेल्थ के साथ, बट मावी अभी भी चार्ज करना जरूर चाहेंगे, यहाँ पे हील भी नहीं किया उन्होंने और आगे की तरफ जाएंगे। इसी के साथ मॉर्टल और ब्लेजी यहाँ से जरूर रोटेशन देना चाहेंगे और फॉल बैक करना चाहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक सोल एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा था आज के गेम में, क्योंकि जब भी हमने देखा है, पहले गेम में भी देखा था, इस गेम में भी देखा था, कि तीन प्लेयर एक साथ होते हैं, एक प्लेयर थोड़ा सा पीछे होता है, ये एक अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे ट्राई कर रही है सो टीम सोल। बट अभी के लिए आई थिंक ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करी, क्योंकि एक एक करके यहाँ पे पिक हो रहे हैं। बट व्हाट अ गोल्डन आर्म बाय मॉर्टल, एंड इसकी बात हम काफी टाइम से कर रहे हैं, और यहाँ पे स्काउट को नॉक किया है, स्काउट को खत्म भी कर सकते हैं। एक नेड आया यहाँ पे मॉर्टल की तरफ, देखना पड़ेगा ये नेड कितना इफेक्टिव रहेगा। स्काउट यहाँ पे खत्म कर दिए जाते हैं, एक शानदार नेड और शानदार कन्फर्मेशन। Yes, तो अभी सिचुएशन कुछ कुछ अंडर कंट्रोल आते हुए दिख रहे, 2v3 का सिनेरियो रहेगा और हमें देखने को मिले है, बट किस तरीके से वो हैंडल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। F1TOD एंड UME के प्लेयर्स के बीच में भी जंग जो है जरूर छिड़ी है। सोल के ब्लेजी अभी भी यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, और OR की स्क्वाड धीमे धीमे करके यहाँ पे आगे आना जरूर चाहेंगे। मावी एंड गिल यहाँ पे पोजिशन एक पकड़ के रखे है, प्लेयर्स को स्पॉट करने की जरूर कोशिश। एक ग्रेनेड थ्रो किया बट ग्रेनेड जो है कनेक्ट नहीं होगा। 8-bit के प्लेयर ने स्वॉट के एक लास्ट प्लेयर का किल अभी कंफर्म किया, स्वॉट
नॉट ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. मॉर्टल ने वहां पे मावी को स्पॉट किया और मॉर्टल के तरफ एक ग्रेनेड मावी का बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड. यहाँ पे ब्लेजी लास्ट में स्टैंडिंग रहेंगे, एकेएम सप्रेस्ड उनके पास रहने वाली, बट ओआर के प्लेयर यहाँ पे चार्ज करेंगे. मेरे हिसाब से स्पॉट किया गया है जरूर, बट ब्लेजी अभी तक अपना ट्रिगर कंट्रोल करेंगे. बट फाइनली जो है यहाँ पे वीरू जो है ब्लेजी का कल लेके जाते हुए देखेंगे. एंड सोल गेट्स एलिमिनेटेड बाय ऑरेंज रॉक. इसको बेसिकली अभी फिलहाल खेले होल्ड करना है, कुछ नहीं करना. ये ओआर और एलिमेंट फाइट ले उसका वेट करना है. बट वीरू एंड मावी चार्जिंग इन, यहां पे रेडन को नॉक कर दीजिएगा. बट डेल्टा पीजी लास्ट में स्टैंडिंग रहते हैं. वीरू की तरफ से एकेएम का स्प्रे आया. डेल्टा पीजी की अपनी टीम की तरफ से कुछ कर पाएंगे? मावी को यहां पे नॉक किया. 1v1 सिचुएशन रहेगी तीनों ही टीम की तरफ से. एक सिंगल प्लेयर यहां पे बाकी रहेंगे. क्या डेल्टा पीजी रिवाइव दे पाएंगे अपने टीममेट को? ऑब्वियसली यहां पे पान सिंह को रिवाइव देना जरूर चाहेंगे, बट क्या वीरू यहां पे मावी को रिवाइव देते हैं या फिर चार्ज करते हैं? वीरू यहां पे चार्ज करने का उन्होंने डिसाइड किया. वीरू को काफी लो हेल्थ एंड डेल्टा पीजी क्लचेस आउट फॉर हिज टीम. बट एक लास्ट प्लेयर 1v1 की फाइट रहेगी. क्या आईफोन थ्योरी के डॉन ये सिचुएशन का एडवांटेज उठा पाएंगे, फिर का स्किल कंफर्म कर पाएंगे, या फिर जो है लास्ट प्लेयर जो बाकी रहता है टीम एलिमेंट की स्क्वाड का उनका स्किल कंफर्म करके अच्छे कंटेनर लेते हैं वो? बिल्कुल शानदार नेड यहाँ पे आता हुआ. क्या खत्म होगा और खत्म होगा ये खेल. व्हाट अ ब्रिलियंट मैच दैट वाज एंड दैट हैट्रिक जस्ट मिस. Oh, 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 oh